अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां घबराओ न दुख से जी घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरण ले लो अरिहंत, शरण ले लो अरिहंत का ये प्रभु सिमरण किए अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की साधना प्रभु का ज्ञान प्रभु की मैत्री प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली है। कल समयक के बारे में हमने चर्चा की थी, नौवां समयक दसवां दिशावकाशक व्रत श्रावक के दूसरे शिक्षा व्रत तथा दिशावकाशक व्रत है। इस व्रत में त्याग और साधना का विशेष शिक्षा प्राप्त की जाती है। यह व्रत पूर्व के पाँच अनुव्रत और तीन गुणव्रत के खुले रहे आश्रय को विशेष रूप से संकुचित करने का संवर का क्षेत्र बढ़ा देता है। हमारे समाज में प्रचलित दया व्रत और देश पौषित का भी अंतर्गत इसमें समाविष्ट हो जाता है। शरीर संबंधित कार्यों से अधिक एक दिन रात की एक दिन पहर की या ज़्यादा एक घंटा जब से ज़्यादा छुट्टी लेकर आत्मचिंतन आत्मगुणों का स्वभाव रमन स्वरूप चिंतन पाँच आश्रयों का निरोध संवर में जैसे आप पौषित नहीं कर सकते, दिन में आपको काम है दुकान का तो शाम के समय आप पौषित संवर कर सकते हो। और संवर का अर्थ है कि पांच आश्रम मिथ्यात्व अवर्त प्रमाद किशाय अश्वयोग। मिथ्यात्व क्या है? देह को अपना मानना। अवर्त क्या है? जो व्रत हमारा जो मर्यादा है एक हमने जैसे आपने उपवास ले लिया आपने बेला कर लिया आपने मांस खमन कर लिया तो किसी के जवाब से नहीं होता, अंतर का आपका आह्लाद आनंदित मन होता है करने से। वो व्रत कोई पचकान नियम जोर जबरदस्ती नहीं, आपके भीतर एक स्वभाव में रमन करने का कि बहुत रोज़ रोज क्या खाना क्या बाहर जाना चलो शांत करो खाना नहीं कुछ नहीं अंतर में रमन करने की जब एक भाव आता अवर्त तो व्रत को मिथ्यात् अवर्त अवर्त में व्रत में आ जाना। प्रमाद जो प्रमाद करना आलस बेचैनी या मद अहंकार आ जाना, आठ प्रकार का मद जाति मद कुल मद बल मद तप मद रूप मद अहंकार मद ऐश्वर्य मद मद को रोकना, किसी प्रकार का मद नहीं करना। किसी को जाति का मेरी जाति बड़ी ऊंची मेरा कुल बड़ा ऊंचा है, कोई तपस्या करता है अहंकार कर ले देखो मेरे जैसा तपस्वी, कोई ज्ञान को मेरे जैसा ज्ञानी, इस प्रकार जो व्यक्ति जैसा ही करता है अगले जन्म में वो चीज़ उसको नहीं मिलती। आठ प्रकार का मिथ्यात् अवर्त प्रमाद किशाई क्रोध मान माया लोभ इसको छोड़ना चाहिए। मिथ्यात् अवर्त प्रमाद किशा अशुभ योग
मन वचन और काया के अशुभ योग को शुभ में और शुभ में शुद्ध में लाना, मतलब मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार केवल अपने में समाहित होना। तो ये आश्रय का त्याग करके जब आप अपने को सिकोड़ लेते हैं, जैसे आपने देखा है कछुआ के पास जाओ, कोई व्यक्ति नज़दीक आता है तो उसकी छाल इतनी कठोर होती है कि उसके ऊपर डंडा भी मारो तो निकलता नहीं। तो कछुए के भीतर वो लस्ता होता है, बड़ा कोमल होता है। जब किसी व्यक्ति को देखता है तो सारी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है कछुआ। आपने कभी मंदिर के पास गए होंगे तो मंदिर के आगे एक कछुआ का फोटो होता है। कछुआ का मतलब जब आप संसार से अलग होकर के आप भगवान के मंदिर में आ रहे हैं तो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लीजिए, संसार के वातावरण से अलग होकर के अपने को सिकोड़ लेना, अपने में समाहित कर लेना, इंद्रियों का निरोध कर लेना, मन वचन काया का निरोध कर लेना। तो ये है, तो उसमें आपने क्या करना है, फिर शरीर को नियंत्रण करने से स्वयं को साधना में लगा देना, कुछ ना करना, बाहर का चिंतन छोड़ करके अपने भीतर आत्मभ्रमण आत्मचिंतन करना। कई बार आप देखते हैं कि बाहर के शोरगुल में आप एकांत में बैठते हैं तो आपका मन लग जाता है, बाजार में जाओ, भीड़ में जाओ, सिनेमा गृह में जाओ, बस स्टैंड में जाओ, वहाँ जाओ, कितनी भीड़, कितना शोर, इधर से उधर, उधर से उधर, तो यार बेचैन हो जाते हैं। कितना आप बस स्टैंड में जाओ, आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप वही एयर जाओ, कितने लोग इधर से उधर, उधर से उधर, तो चारों ओर से वातावरण में आपकी जो अंतर की आवाज़ वो छुप जाती है। क्या करना, फिर आपका मन करता चलो कुछ नहीं, एकांत मौन, किसी जंगल में, किसी वृक्ष के नीचे, किसी कुटीर के नीचे बैठ जाते। ये सभी तीर्थंकर भगवान, उन्होंने घर बार छोड़ करके क्या लिया, राजमहल छोड़का दिया, एकांत और एकत्व का सहारा लिया, एकांत कि मैं जीव अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा, ये निश्चित मानिए, कोई सगा साथी अपना नहीं। इतनी देर आप समझ जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं मेरा ये, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा माता पिता, कुछ अपना नहीं। अनंत काल में आपने देख लिया जब जीव निकल जाता है तो कोई संगी साथी साथ नहीं दे पाता। इसलिए हमेशा जब आपके मन में दुख आए, दुखे सुखे वैरणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने बनावा, निराकृत शेष ममत्व भूते समग मन मस्तु समाप्त, ये नाथ में दुख आए, सुख आए, हानि आए, लाभ आए, चाहे मैं भवन में रहूं, चाहे मैं एकांत में रहूं, मैं अपने में समाहित हो जाऊं। अपने में समाहित होने के लिए एकत्व भावना का पोषण करना कि जीव मात्र जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा, कोई संगी साथी, एक संयोग बना, आपके पूर्व कर्म के कारण कोई संयोग बनता है, उस परिवार में आप जन्म ले लेते हो, कारमन शरीर ने जो कर्म किया होता है वो अनापूर्वी आती है, वो गति आती है, उसमें जीव चला जाता है, ऐसे चार गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या आपके मन में नहीं आता संसार में भ्रमण करते रहेंगे, कभी मनुष्य लोग, कभी देव लोग, कभी पशु लोग, कभी नरक लोग, इससे अलग भी मेरा स्थान है वो है आपका अपना स्थान सिद्धशिला, जहाँ सुख ही सुख है, ना जन्म नहीं, मरण नहीं, काया नहीं, माया नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं, केवल ज्योति में जो समा जाना, वो अवस्था प्राप्त करनी है, वो जा। तो इनर वॉइस, अंतर में जब आपका मन शांत हो जाता है तो भीतर की आवाज़ आप सुनते, फिर आपके मन के विचार जो अच्छे नहीं लगते, बुद्धि का निर्णय, मन के विचार, फिर पांच इंद्रियों के विषय अलग होकर के, मन बुद्धि और इंद्रियों के विषयों से अलग होकर के जब आप निर्विचार निर्विकल्प अवस्था में आते हो तो जीव अपने में ठहरता है। ये जीव को वही विश्राम करने का समय मिलता है, तो जीव भ्रमण कहीं नहीं जा रहा, अपने तो विश्राम दिया नहीं आपने, आपको थकावट आ गई आप सो गए, आपको भूख लगी आपने भोजन कर लिया, आपको प्यास लगी आपने, तो जीव को क्या चाहिए भाई, आपके भीतर जो जीव है, समझते हो जीव क्या है,
आपकी आत्मा, उसको क्या चाहिए? उसको विश्राम चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको विश्राम दिया, तुम थक गए, तुम सो गए, तुम भूख लगी, तुमने भोजन कर लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, गर्मी लगी पंखा ऑन कर लिया, सर्दी लगी हीटर लगा लिया, तो शरीर के लिए किया? इसके शरीर के भीतर जो जीव तत्व है उसके लिए क्या किया? बोलो क्या किया? 24 घंटे में उसके लिए क्या किया है? नहीं किया। श्वेता क्या किया? क्या करोगी फिर? सोचो, विचार करो, जो कुछ किया शरीर के लिए किया, जो संसार में किया, संबंध बनाए, परिवार बनाया, धन इकट्ठा किया, हीरे जवाहरात बनाए, घूमे फिरे, सब कुछ किया शरीर के लिए। और शरीर आपका है, बोलो फिर क्यों करते हो? सारा शरीर के लिए मोह किया, शरीर के लिए ममता की, शरीर का, शरीर एक पराया है, पिंड पराया, शरीर मेरा नहीं, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला अकेला ही जाएगा। जब माँ के गर्भ में जाओगे तो अकेले जाओगे, जब बाहर आओगे तो अकेले आओगे, जब किसी और गति में योनि में जाना तो अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए एकत्व भावना का, एक अनत्य भावना, जब देह मेरा नहीं तो दूसरा मेरा कैसे हो सकता है? क्यों इतने संबंध बनाने समेटो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, कामनाओं को, वासनाओं को, जो बहुत जाल फैला रखा, छोटा करो, दिशावकाश को छोटा करो, अपने सीमित करो। और इस प्रकार ये संवर व्रत भी कहते हैं। आप जब अंतर की आवाज़ सुनते तो फिर क्या है इसमें, यहाँ प्रातःकाल धारण करने के लिए 14 नियम भी बताए हैं। 14 नियम क्या है? सचित्त वस्तु, जैसे कच्चा पानी है, फल फूल आदि, बीज आदि है, सचित्त वस्तु छेदन भेदन हो करके, अग्नि आदि का शस्त्र पा करके अचित ना हुई, उसका परिमाण करना कि सचित्त पानी में लेना, कच्चा पानी, फल फूल, सब्जी जो भी लेते हो उसका मर्यादा करना। दूसरा है द्रव्य, रोटी दाल भात द्रव्य का प्रमाण करना, ठीक है। पाँच में क्या, दूध दही घी तेल मक्खन आदि, इसमें रोज का एक छोड़ देना जो आपको अच्छा लगे, कभी मक्खन छोड़ दिया, कभी तेल, कभी घी, कभी दही, कभी दूध। और पाना जूते चप्पल, कितने जूते चप्पल रोज पहनोगे? 1, 2, 3, 4, उसकी मर्यादा, मर्यादा करो कि आज मैं 4 पहनूंगा, 2 रात के 2 दिन के। तांबुल, मुखवास, पान सुपारी आदि खाते हो उसकी मुझे कितनी मर्यादा करनी, मर्यादा का जीवन। वस्त्र, पहनने ओढ़ने के वस्त्र, सब कपड़े, सबको जरूरत नहीं पड़ती, 2 ड्रेस 4 ड्रेस पहन की मर्यादा रख सकते। कुसुम, सूंघने की वस्तु, फूल फल इत्र आदि, किसी किसी को शौक़ होता है इत्र लगाने का, सूंघने का, करने का, उसको भी मर्यादा कर लो। वाहन, आप मुझे जाना है, यदि मुझे जहाज़ पे जाना है, मोटर पे जाना है, और बस पे जाना है, या घोड़ा हाथी जाना है, उसकी मर्यादा कर ली कि मुझे इतने सवारी लगानी है। शयन, सोने का पलंग, खाट इत्यादि, उसकी विलेपन, चंदन तेल वटन आदि, ब्रह्मचर्य मैथुन का त्याग, दिशा ऊंची नीची दिशा, तिरछी दिशा, ऊपर नीचे कितना मैंने जाना है, रोज का मर्यादा, जैसे आप समय करते हैं करो मर्यादा, अच्छी बात है, ना करो तो हमारे स्नान के लिए जल का प्रमाण कर लेना। कई बार आजकल भी बहुत बड़े बड़े बाथरूम बनते हैं, बड़ा उसमें टैंक होता है, उसमें 50 लीटर पानी, 60 लीटर पानी आ जाता है, और एक आदमी स्नान करता है फिर पानी को छोड़ देते हो, कितना वेस्ट किया। और पानी जब आप स्नान करके बाहर आते हो तो टावल लेके सब पूछ देते हो, पानी की बूंद रखते हो, एक बूंद भी रखते हो, सब पहुँच देते हो, तो इतना पानी वेस्ट करने की जरूरत क्या? माना शरीर को पसीना आ गया, साफ करना, उसके कई तरीके हैं साफ करने के। एक तो एक कपड़ा लिया, गीला टावल लिया, उसको पानी में भिगोया और ऐसे ऐसे कर, हमारे शरीर सुमन जी ऐसे करते हैं, कभी साबुन लगाते नहीं, कुछ नहीं करते, और वो टावल लिया ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया,
एक लोटा दो लोटे पानी में काम चल जाता है और अच्छी तरह सफाई होती है रगड़ रगड़ के, वो मैल निकल जाती है। नहीं तो मर्यादा करो जीवन में, यदि आप श्रावक बनना चाहते हैं। स्नान का भत्त मिथ्या मिष्ठान आदि भोजन, कितना भोजन, किस प्रकार की मिठाई आदि लेना है, इस प्रकार प्रतिदिन आप इसका प्रत्याख्यान कर सकते हो। इसके पांच अतिचार भी हैं कि जैसे आपने पचकान कर लिया कि मर्यादित भूमि के बाहर मुझे नहीं जाना, आपने रख लिया कि मुझे अवध शिमलीला के बाद नहीं जाना, पर आवश्यकता पड़ गई तो क्या है फिर लाने के लिए, फिर आप किसी को, किसी अन्य व्यक्ति को भेज देती है कि जाओ मेरे लिए ये सामान लेके आओ, ऐसा नहीं करना। जब आपने प्रत्याख्यान कर लिया कि मुझे वहाँ जाना नहीं, तो किसी सेवक को भेज करके आप चीज़ मंगाते हो, इसमें दोष लगते। परिचय प्रयोग, भूमि से बाहर की वस्तु को अन्य व्यक्ति के साथ भेज देना, या मेरा बच बन जाएगा। तीसरा शब्द मर्यादा करके आपने ऊंची आवाज़ में कहना कि मेरी बात सुन ले, वो मेरी बात सुन करके मुझे उत्तर दे रही, ऐसा भी नहीं करना। रूप प्राण पद, अपना रूप बता करके, जैसे आप खड़े हो, किसी को आपने भेजना है, मुझे कोई देख लेगा, मैं से चीज़ मंगवा लूँगा, ऐसा मर्यादा भी नहीं करना। बहिर्पुद्गल, जैसे कोई चीज़ आपने चाहिए आपको, आपने अपनी मर्यादा से नहीं लेना, तो एक ऐसा बाहर पत्थर आदि फेंक दिया ताकि वो सुन ले और आपकी बात ले ले, इस प्रकार भी अतिचारों की मर्यादा लगती है। तो शिव का व्रत क्या है कि अपने जीवन में मर्यादा लाओ। जब आपका चित्त एक मात्र जीव आत्मा में आ जाता है तो उपभोग परिभोग सब कुछ वेस्ट लगता है। कितना चाहिए सोने के लिए, कितने जगह चाहिए खाने के लिए, कितनी जगह चाहिए पहनने के लिए, दो कपड़े चाहिए, उतने मर्यादा में आप सुखी हो जाते हैं। जैसे आपने एक कमरा रखा, उसकी धूल मिट्टी आपने साफ कर ली है तो इतनी जगह, आधी रखनी है चौथा हिस्सा रखना तो उतना आपको दोष लगता है। ऐसे ही जीवन में मर्यादा करोगे तो आप सुखी रहोगे। श्रीमद रायचंद जी एक आध्यात्मिक पुरुष थे, महात्मा गांधी ने उनसे प्रेरणा लेकर के, कहते हैं कि श्रीमद रायचंद को महात्मा गांधी ने अपना अध्यात्म गुरु माना। कोई भी प्रश्न का उत्तर वो देते थे, रायचंद के पास भेजते थे, उनका उत्तर देते थे। और उन्होंने एक तो टॉलस्टॉय को, एक महात्मा गांधी ने उनको, श्रीमद रायचंद को अपना गुरु माना था। वो क्या करते, हीरे ज्वाहरात का भी व्यापार करते थे, हीरे ज्वाहरात, और अपनी दुकान पर बैठते थे। जब कोई हीरा ज्वाहरात लेने आ जाता उसको दे देते थे, नई प्रकार संपर्क करते थे, दिशावकाश व्रत करते थे और आत्मिक चिंतन में लीन रहते थे। अपने भीतर चिंतन करो, मैं हूँ कौन, अकेले बैठे हो तो क्या करना, क्या करते हो अकेले बैठ करके, आप किसी बहन को बुला लोगे, उसे बातचीत करोगे, उससे पूछोगे आपने क्या सामान खरीदा, कहाँ लाया, क्या करा, सब छोड़ो, किसी की बात जाना ही नहीं, बात ही नहीं करना, अपना आत्मचिंतन करना, कमरा बंद करके, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे जाना कहाँ, अनादिकाल से वचन कर रहा हूँ, ये जीवात्मा कहाँ कहाँ भटकेगी, ये मानव का जीवन मिला, अगला जन्म पता नहीं कौन सा मिले, किस भाव में कहाँ जाएंगे, ये जीवन जो मिल गया, अभी हमें अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना मिलती है, इस साधना को जीवन में अंगीकार नहीं कर सकते। शिवर करो, एक दिन, चार दिन, दस दिन, मौका लगे दो घंटे, चार घंटे, इसमें बताओ, डूबो इसके अंदर। तो आत्मिक चिंतन करते रहते थे, कोई ग्राहक आता माल दिखाते, अपनी आत्मा का चिंतन करते रहते थे, आत्मचिंतन में डूब जाते थे। ऐसे वो स्वाध्याय करते करते, कहते हैं आत्मसिद्धि शास्त्र 142 गाता है, पहली ही गाता है, जे स्वरूप समझा बिना पाम्य दुख अनंत, जे स्वरूप समझा बिना पाम्य दुख अनंत, समझाम्यों ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। यदि स्वरूप का बोध नहीं हुआ, स्वरूप का मतलब समझते हो क्या, स्वरूप का बोध किसे कहते हैं बोलो, जो बाहर से लोग आए वो बता दो। जे स्वरूप समझा बिना,
आत्म सिद्धि शास्त्र पढ़ाया आपने? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। आत्मा का जे स्वरूप समझा बिना, स्वरूप का मतलब क्या? एक रूप, एक स्वरूप। रूप का मतलब ये आकार शरीर, और स्वरूप का मतलब जो आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। स्वरूप को नहीं समझा, इस कारण हमें अपने आत्मा का बोध नहीं, जीव का, इसलिए अनंत काल में भटके। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यों ते पद नमो श्री सतगुरु। कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, वो आपको स्वरूप का बोध दे दे, उनके चरण पकड़ लेना, उनको अपना गुरु बना लेना। ये पहली ही गाथा 142 गाथा, पता कब लिखी उन्होंने? अम्बालाल जी गए, उनको लालटन रखी तो 1.5 घंटे के अंदर वो लिखते गए, कोई रटन नहीं किया। भीतर से प्रकाश आता है ऐसे व्यक्ति को, आत्मज्ञानी पुरुष को। 142 गाथा वो पढ़ो, कभी आपको समझ में आएगा। तो महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे, सब प्रकार का उत्तर वो दे देते थे। इसलिए जीवन के अंदर एक बार कहते हैं कि उन्होंने किसी व्यक्ति ने सौदा कर लिया हीरे जवाहरात का। अब सौदा करने के बाद वो बाजार बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा हो गया। तो जिस व्यक्ति को सौदा दिया था उसकी शक्ति नहीं थी कि वो सौदा वापस कर सके या ले सके या उसके पैसे चुका सके। तो श्रीमद् रायचंद को पता लगा, वो उनके घर में गए कि देखो भाई आपका इकरारनामा। उसने कहा ठीक है, मैंने सौदा किया था, अब मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। तो कहते हैं उन्होंने इकरारनामा लिया, लेने के बाद फाड़ दिया, हमारा सौदा कैंसल, ना मैंने कुछ लेना है ना आपने देना है। तो कहते हैं उस व्यक्ति ने वो सौदा ही कैंसिल कर दिया, जिससे लाखों रुपए उनको मिल सकते थे। आगे आ जाओ, मिल सकते थे। सौदा ही कैंसिल कर दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ मुझे देना नहीं लेना नहीं। ऐसे थे, कहते थे श्रीमद् रायचंद की मैं दूध पी सकता हूँ, किसी का खून नहीं ले सकता। तो इस प्रकार उनका जीवन था, बहुत शुद्ध जीवन था, पवित्र जीवन था। किसका है? तो अपने जीवन में मर्यादा बहुत सहायक होती है। यदि खुला रखते हो, जैसे तालाब खुला है, पानी आता जाता है चारों ओर से, तो ये आश्रव आ गया। संभर करने के लिए तालाब में जो पानी आ रहा है उसको बंद कर दिया, और जो पानी है उसको सूरज की रोशनी से या मशीन से सुखा दिया। तो हमारे जीवन में 24 घंटे ये पांचों इंद्रियों के विषय, ये मन, ये बुद्धि, ये कहाँ कहाँ हमको घुमाता है, और जो मन कहता है हम वैसा वैसा करते रहते हैं। इस प्रकार मन के पार, बुद्धि के पार अपने जीवन में मर्यादा का जीवन रखोगे तो जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगी। 10वां दिशाओं का शुभन, 11वां पौषण, और फिर अतिथि संभाग, इसकी चर्चा फिर करेंगे। तो ध्यान करते हैं, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत, शांत। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां भी नहीं, मात्र जीवात्मा, मात्र जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, परम आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र मात्र शुद्ध आत्मा, अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो, रोम रोम से ध्वनि उठे जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और अनंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस और अनंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो अवध्यायानंग, नमो लोय सप्साहनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावितंग नमन संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानतो धम्म मंगलम,
चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। उसका सदा ही मन।